एबीपीएस न्यूज़। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती सिंह और आज आपके लिए लाई हूं वो खास खबरें जो प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी। तो आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान की ओर, जहां पहले पेपर पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें छापी गई हैं, जिसमें से कुछ खबरें मैं आपको बताऊंगी। जिसमें पहली खबर है, गुरट्टी पर धर्मशाला में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की जवाहर धर्मशाला में युवक ने अमरोहा निवासी अपने साथी की ईंट से कूच कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद ही फोन करके युवक के परिजनों को इसकी सूचना दी और फरार हो गया। हत्या का कारण नशे के लिए हुआ विवाद बताया जा रहा है। अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के जय ओम नगर का हरिओम सिंह मुरादाबाद में मजदूरी करता था। गुरट्टी स्थित जवाहर धर्मशाला में हरिओम रहता था। शुक्रवार सुबह उसके भाई के मोबाइल पर फोन पहुंचा कि हरिओम को किसी ने ईंट से कूचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। ये सूचना मिलते ही भाई बलवीर व अन्य परिजन मुरादाबाद पहुंचे। साथ बढ़ते हैं अगली दूसरी खबर की ओर, जो कि कर्नाटक से प्रकाशित हुई है। खबरों के मुताबिक कर्नाटक में शक्ति परीक्षण आज। कर्नाटक में भाजपा की सरकार रहेगी या जाएगी, इसका फैसला शनिवार को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार राज्यपाल का फैसला पलटते हुए कहा कि शनिवार शाम 4 बजे विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराया जाए, ताकि पता लगाया जा सके कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के पास बहुमत है या नहीं। राज्यपाल ने येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया था। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एबीपीएस न्यूज के साथ। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक ट्विटर Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका एबीपीएस न्यूज में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर, तो चलिए आपको ले चलते हैं अगली खबर की ओर। डंपर ने श्रद्धालुओं को रौंदा, 11 लोग मारे गए हैं। मां पूर्णगिरी जा रहे थे बरेली के लोगों के साथ, टनकपुर में हादसा हुआ। मां पूर्णिमागिरी के दर्शन को पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के एक जट्टी को टनकपुर में बेकाबू डंपर ने रौंद दिया। हादसा में 11 की मौत हो गई है, जबकि 19 घायल हो गए। 9 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी श्रद्धालु यूपी के बरेली जिले के नवाबगंज तहसील के बुखारपुर गांव से। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली के श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उसी के साथ आपको ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि श्रीनगर से प्रकाशित की गई है। प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे से एक दिन पहले घुसपैठ की कोशिश रही नाकाम। 3 आतंकी हो चुके हैं ढेर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले सीमा पार से घुसपैठ कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया। सभी आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हंड सटे ब्रंजल इलाके के जंगलों में शुक्रवार शाम सेना के 15 आरआर के जवानों ने आतंकियों के एक दल को घुसपैठ करते देखा। आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर भगाने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। सभी आतंकी विदेशी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। इलाके में अन्य आतंकियों के मौजूद होने की आशंका पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि खेल मंत्रालय से प्रकाशित की गई है। फिट रहने को दूर तक जाएगा संदेश। खेल मंत्रालय के सचिव राहुल भटनागर का कहना है कि मंत्रालय का इरादा देश में फिट रहने के प्रति जागरूकता अभियान छेड़ने का है। खुद खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ भी यही चाहते हैं। अब जागरूकता फैलानी है तो देश देने के लिए शुरुआत घर से ही करनी होगी। यही कारण है साई कर्मियों से व्यायाम की व्यवस्था शुरू करने की पहल की। तो ये थी आज की एबीपीएस न्यूज की कुछ खास खबरें जो कि मैंने आपको। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक ट्विटर Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें।